कृषि उपज मंडी सावेर में कृषि उपज मंडी सचिव की लापरवाही व सागाट सामने आई है, जिसके कारण समस्या अन्नदाता को भुगतना पड़ रही है। मंडी सचिव की लापरवाही से कई अन्नदाता को मानसिक पीड़ा उठाना पड़ रही है। इंदौर जिले की कृषि उपज मंडी सावेर में फिर एक बार किसान मायूस हुआ है और साजिश ठगी का शिकार हुआ है। कृषि उपज मंडी सावेर उपज मंडी सचिव की लापरवाही से किसानों की समस्या का हल हुआ ही नहीं था कि एक बार फिर व्यापारी इंदौर कृषि उपज मंडी सावेर में लाखों का चूना लगा गया। RTGS के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों को 2 लाख रुपयों का नगद भुगतान किया जाना है, पर कृषि उपज मंडी सावेर में नगद भुगतान नहीं होने पर इंदौर जिले का एक वर्ष में किसानों का दूसरा मामला सामने आया है। व्यापारी अब तो फरार हो चुका है। ऐसा ही मामला सावेर मंडी में भी हुआ। किसानों का कहना है कि मंडी व्यापारी अखिलेश जैन, विजय जैन और श्रीमती शोभा जैन के द्वारा फर्म विजय ट्रेडर्स, महाकाली ट्रेडर्स एवं अंबिका ट्रेडर्स के नाम पर 25 से 30 किसानों के करीब 30 लाख से ज्यादा रुपए RTGS के नाम से गबन कर ठग लिए गए। वहीं किसानों का कहना है कि व्यापारी घर बार छोड़कर फरार है। जैन बंधुओं द्वारा किसानों से लाखों की फसल खरीदी गई, परंतु पेमेंट के नाम पर गुमराह करते हुए 1 माह से अधिक समय बिता दिया गया और अब तीनों फर्मों के व्यापारी फरार हो चुके हैं। किसानों द्वारा मंडी सावेर में हंगामा किया गया, तब मंडी अमला ने खाना पूर्ति करते हुए उसके गोदाम को सील कर दिया, जहां धूल धकड़ के सिवाय कुछ भी नहीं है। वहीं बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जो मंडी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि किसानी कार्य का सीजन है, वह खेत में किसानों को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। वहीं भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के प्रदेश अध्यक्ष बबलू जाधव के नेतृत्व में किसानों ने मंडी में हंगामा किया। वह कहा कि अगर समय रहते हुए भुगतान नहीं किया गया तो एक और खंडेलवाल को नहीं छोड़ा जाएगा और मंडी बंद कर दी जाएगी। आनन फानन में मंडी प्रशासन द्वारा तीनों व्यापारियों के खिलाफ खाना पूर्ति दिखाने के लिए सावेर थाने में सिर्फ शिकायत दर्ज करवाई है। मामले में मंडी सचिव लक्ष्मी नारायण पाटीदार द्वारा अन्नदाता को सिर्फ खाना पूर्ति के आश्वासन दिया गया। सावेर कृषि उपज मंडी में पूर्व में भी किसान के पैसे की घटना घट चुकी है, पर कृषि उपज मंडी सचिव लक्ष्मी नारायण पाटीदार द्वारा कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई। पूर्व में एक घटना में व्यापारी के कई चक्कर लगाने पर किसान के पैसे RTGS किए थे। यहां तक कि बैंक ने व्यापारी को किसान के बैंक अकाउंट की पर्सनल जानकारी की डिटेल दे दी थी। भारतीय किसान एवं मजदूर सेना अब मांग करता है कि ऐसी फर्जी व्यापारियों के ऊपर मंडी प्रशासन लगाम लगा कर रखे। हर बार किसान को ठग लिया जाता है और प्रशासन खाना पूर्ति करके गुमराह कर देता है। क्या व्यापारियों की जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की नहीं है? अगर कोई व्यापारी किसानों की रकम लेकर भागता है या फिर फरार हो जाता है तो इसके लिए मंडी कर्मचारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। शिकायत के आधार पर कार्रवाई होगी। तो जो व्यापारी फरार हुआ उसका डिपॉजिट कुछ रखा था आपने? कितना रखा था? उसकी अमानत राशि है, प्रतिभूति, मतलब प्रतिभूति कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए जो किसानों ने जो समस्या आपके पास में लेकर आए, इस घटना के बाद में आपने क्या कार्रवाई करवाई? समस्त कार्रवाई कर दी, उसको गोडाउन सीज कर दिया, गोडाउन सील और बैंकों को सूचना कर दी। सिर्फ सूचना के लिए? हाँ, 3 दिन हो गए इसके बाद में कुछ कार्रवाई? मतलब थाने को FIR दर्ज करवा दी। FIR से मतलब उनको सूचित कर दिया और नगर पंचायत को भी हमने लिख के भेज दिया कि इसकी चलाचल संपत्ति नगर पालिका सीमा क्षेत्र में क्या है वो हमको जानकारी दे। आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास में आधे घंटे में 20 मिनट में पूरा ब्यौरा आ सकता है नगर पंचायत सब दूर से कि उसकी कितनी संपत्ति है। तो कल तो हमने साहब के हस्ताक्षर से उनको सूचना पत्र जारी किया है और आज उसकी जानकारी। उनकी जो राशि थी वो आपको ज्यादा रखनी थी ना, फिलहाल तो जो अन्नदाता है वो आपको देखकर मंडी प्रशासन को देखकर खरीदता है बेचता है। अब देखिए, ये तो जो लाइसेंस जारी किया जाता है वो 2 लाख 3 लाख की प्रतिभूति है और समय समय पर हम चेक भी करते रहते हैं, बाकी का
स्थिति ऐसी घटी कि मतलब 17 तक तो हमने नगद भुगतान करवाया है जो जो किसान आए थे यहाँ। अब जो मंडी में जो खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, खरीदारी नहीं हो रही किसी की भी फर्म की? नहीं, उस फर्म की थोड़ी हो रही। नहीं, उस फर्म की नहीं हो रही, वो तो खराब हो गया। उसके बाद में अब जो व्यापारी बच्चे इनकी खरीदारी हो रही है, इनका कितना कितना निकल गया माल और कितना डिपॉजिट है? उनका भी वही 2-3 लाख। तो उससे ज्यादा भी खरीद कर ले जाएंगे अगर जो ये भी धोखाधड़ी कर लेंगे तो फिर किसानों को? अभी तक तो कोई शिकायत आई नहीं उनकी। ये शिकायत हो तो गई आज जो हो गई तो उसके हम निगरानी कर रहे हैं, हर व्यापारी की कर रहे हैं। तो उसकी जो संपत्ति है उसमें आपने अन्नदाता होना किस तरह से लिखित पत्र कुछ जारी करा कि उनको कुछ आश्वासन दिया जिसमें उनको आश्वासन दिया? आवेदन लिया है, समय हमारे भारत साधक अधिकारी महोदय ने दिया है 8 दिन का, कार्रवाई हो रही है। कलेक्टर महोदय को किसी प्रकार की आपने सूचना दी? हो गई, सूचना भेज दी है। कुछ दोगे हमारे को? सावेर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।